हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज एक नए जानकारी के साथ पुनः आपके सामने हाजिर हूं। और देख सकते हैं स्क्रीन पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा यह देखिए यहां पर जारी किया गया है। प्रति संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हेतु आवंटन प्रदाय करने बाबत 4 तारीख का ये देख सकते हैं लिखा गया है यहाँ पर डेट भी। ओके, उसके बाद उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में प्रमाण पत्र जांच का कार्य संपन्न कराने हेतु निम्नानुसार व्यय संभावित है। ठीक है, यहाँ क्रमांक लिखा हुआ है, विषय राशि और रिमार्क। 6,000 पत्र जारी करने हेतु लिफाफे प्लस डाक व्यय, यहाँ देख सकते हैं 1,50,000 की राशि का लिखा हुआ है। प्रक्रिया में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी के खाने की व्यवस्था, यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं 1,80,000 रुपये। कर्मचारी के रुकने के लिए आवास की व्यवस्था, अन्य विकास खंड से आए अधिकारी कर्मचारी 20,000 लिखा गया है। स्टेशनरी 25,000। ओके, और अन्य आकस्मिक व्यय 25,000। कुल जो है ये 4,00,000 अमाउंट अभी खर्च होना है अभी तक के जानकारी के अनुसार। ठीक है, अक्षरी रुपये 4,00,000 मात्र लिखा हुआ है। तदनुसार इस कार्यालय को राशि आवंटन जारी करने के कष्ट करें। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ का साइन है, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रायपुर संभाग सूचनार्थ प्रेषित। ठीक है, अब यहाँ पर ये इस पत्र के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके संबंध में 3-4 वीडियो अभी कल परसों में अपलोड किया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पता चलता है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का वेरिफिकेशन तो आपको पता ही है कि 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला तथा सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम का पूरा डेट शीट जारी हो चुका है। प्रीवियस वीडियो मेरा देख लीजिए, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन से डेट में किसका किसका होगा। ठीक, तो इससे यह कह सकते हैं कि निश्चित रूप से वो पत्र जारी किया जा रहा है। और 2-3 मैं व्हाट्सएप में देख चुका हूँ 1-2 लोग का पत्र, जल्द ही उस मामले एक वीडियो बनाऊंगा क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको पत्र भी भेजा जाएगा और लिस्ट भी सीजीएडू पोर्टल वेबसाइट पर लिस्ट डाला जाएगा। 1:2 के अनुपात में शायद कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, ऐसा मैं पहले वीडियो में बताया हूँ और उसमें लिखा हुआ है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, और फिलहाल देखना है कि क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, शॉर्टली आपको बस यही बताने वाला था कि अब रफ्तार की प्रक्रिया चल रही है और बहुत सारे इसमें विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, कई लोग कोर्ट जाने के लिए भी खड़ा हो रहे हैं। फिलहाल जो होना है गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको धैर्य बनाए की आवश्यकता है और वेरिफिकेशन के लिए अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। ठीक है, 2-2, 3-3 सेट निश्चित रूप से हर फोटो कॉपी करा के रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए स्टडी जारी रखें। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का घंटा जरूर दबाएं।